नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं क्रिकेट कीड़ा। इस वीडियो में हम करेंगे आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच का रिव्यू। तो दोस्तों, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जब सिक्का उछाला विराट कोहली ने, तो गिरा मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने लिया गेंदबाजी का फैसला और आई दोनों टीमें जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जानिए पूरे मैच में क्या हुआ। दोस्तों, आज आरसीबी ने हर साल की तरह एक मैच में ग्रीन जर्सी पहनने की प्रथा को जारी रखा। आज की डेट में ग्रीन कलर की जर्सी पहन के उतरी गो ग्रीन को सपोर्ट करते हुए आरसीबी की टीम। लोग इस जर्सी को आरसीबी के लिए लकी मानते हैं, लेकिन इसने अपना कमाल बिल्कुल भी नहीं दिखाया और आरसीबी अपना छठा मैच फिर हार गई। आरसीबी की तरफ से बैटिंग करने उतरी टीम ने सिर्फ 149 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली के 41 रन, मोइन अली के 32, अक्षदीप नाथ के 19 और एबी डिविलियर्स के 17 रन के अलावा किसी ने कोई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। इसका कारण था रबाड़ा के 4 विकेट। कगिसो रबाड़ा ने 4 विकेट झटके, क्रिस मॉरिस ने 2 विकेट झटके, 6 विकेट तो इन विदेशी खिलाड़ियों ने अकेले ही झटक लिए, फिर अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया। दोस्तों, 149 रन ही बना पाई आरसीबी की टीम अपने 20 ओवर के कोटे में। दोस्तों, जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम आरसीबी के 150 रन को चेस करने उतरी तो तीसरी ही बॉल पर शिखर धवन 0 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट के अलावा कभी भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम आरसीबी से पीछे नहीं नजर आई। इस पॉइंट के अलावा कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किलात में हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेली और 67 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने पृथ्वी शॉ और कोलिन इंग्रम के साथ बहुत अच्छी साझेदारी की। कोलिन इंग्रम के आउट होने के बाद ऋषभ पंत आते हैं जो आखिरी तक मैच को ले जाते हैं। श्रेयस अय्यर टीम को जब 6 रन चाहिए होते हैं तब आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्रिस मॉरिस के आने पर क्रिस मॉरिस आउट होते हैं, फिर ऋषभ पंत आउट होते हैं। तो एक छोटा सा कोलैप्स था एक ओवर के लिए, डेढ़ ओवर के लिए। उसके अलावा कहीं पर भी टीम मुश्किल में नजर नहीं आई और एक ओवर शेष रहते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 150 रन का स्कोर चेस डाउन कर लिया अक्षर पटेल और उनके साथ साथ राहुल तेवतिया की मौजूदगी में।